मऊ जनपद के अति प्राचीन रेलवे कॉलोनी में होने वाली रामलीला को जब रेलवे प्रशासन द्वारा बंद करा दिया गया, तब स्थानीय नेता छोटेलाल गांधी ने इसका कड़ा विरोध जताया। आपको बता दें कि अभी कल ही सिटी मजिस्ट्रेट को जहां रेलवे रामलीला को चालू कराने की ज्ञापन दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय संस्कृति वहीं भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यों को बदनाम करने की साजिश बताई जा रही है। रामलीला नहीं हो रहा है, कारण क्या है? देखिए ऐसा है कि यहाँ एस एम अंसारी और दीपक कुमार चौधरी जो है रेल कर्मचारी हैं, कर्मचारियों पे दहशत पैदा करके इसमें रामलीला नहीं लगाना चाहते थे। देख रहे हैं आप, गिट्टी बालू गिराए हैं, इनकी मनसा गलत थी। तो हम कल जाके डीएम साहब को ज्ञापन दिए और मुख्यमंत्री जी को, कुछ लोग अधिकारी चुनाव के दरमियान में सरकार को बदनाम करने की नीयत से रामलीला नहीं कर रहे हैं, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो कल जो है डीएम के आदेश पर रेलवे अधिकारी को जो भी हो बात वार्ता हुई हो और उसके बाद रामलीला जो है प्रारंभ होने जा रहा है, ये खुशी की बात है। कब से शुरू होगा बंद रामलीला? अब आज व्यवस्था में लगे हुए हैं, अब अभी हटेगा। कल अधिकारियों से क्या बात हुई? देखिए अधिकारी को करना हटाना है, क्यों नहीं अधिकारी करेंगे, उनके तो जागीर नहीं है। रामलीला यहाँ पे सारे लोग अपना हर एक चीज का पूजा करते हैं, अब पूजा करने प्रतिबंध नहीं है, और सारे भी तो हिंदू हैं अधिकारी, और सबको राम से प्यार है, तो रामलीला होगा और ये खुशी की बात है कि रामलीला हो रहा है। ये बताइए, भाजपा के शासन में जहाँ एक तरफ रामराज्य कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मऊ का जो कि सेंटर प्लेस है, यहाँ पर रामलीला जो कल्चरल हेरिटेज है मऊ का, उसके साथ इस प्रकार खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ अधिकारी होते हैं जिनकी मानसिकता गंदी होती है। मैं बताया ना कि एसएम अंसारी और इसके बाद दीपक चौधरी है, दोनों जानबूझकर सरकार को बदनाम करने के लिए यह रामलीला नहीं कराना चाहते थे। जब हमको मालूम हुआ, सारे कई लोग हम लोग गए और डीएम के ज्ञापन दिए कि रामलीला हर हालत में परंपरागत होनी चाहिए, जो परंपराएं हैं उसको बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आस्था का प्रतीक है राम, हमारे प्राण है, राम के बिना जिंदगी अधूरी है, इसलिए अगर हमारे आस्था पर कोई कुठाराघात करेगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।